नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से हर फेस्टिवल करता है कुछ खास, तो हमारा राष्ट्रीय पर्व यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारा आने वाला है, तो 15 अगस्त की भी तैयारी हंगामा टाइम्स बड़े ही धूमधाम से कर रहा है। लखनऊ की खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहा है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी में रहते हैं। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव को तैयारी करने के लिए सभी देशवासी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तैयारी करते हैं और इस पर राष्ट्रीय पर्व को अपनी तरह मनाते भी हैं और इसको यादगार भी रखते हैं, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लखनऊ की खास शख्सियत रागिनी रस्तोगी जी से, जो कि वरिष्ठ समाज सेविका है और बीजेपी की नेत्री भी हैं और दिग्गज नेता भी हैं, जिन्होंने 35 सालों से बीजेपी में अपनी सेवाएं दी हैं और बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और बीजेपी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार लाने के लिए भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही हुई है। तो उनसे हम बात करेंगे इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर के कि उनकी क्या तैयारी है और स्वतंत्रता दिवस पे क्या विशेष कर रही। मैम, आपका स्वागत। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी जिस तरीके से हम अपने राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस एक खास महत्व वाला दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखने में कामयाब रहें, ऐसे हमको प्रयास करना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस पे भाई झंडारोहण भी होता है, राष्ट्रगान होता है और ध्यान रहे लोगों को कि हमारे राष्ट्र ध्वज का कहीं भी अपमान न होने पावे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपरांत हमने देखा है बच्चों के हाथ में जो तिरंगा होता है वो कहीं कहीं गिर जाता है, कहीं बच्चे नहीं ध्यान रख पाते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको बड़े लोग ध्यान रखें। हालांकि इस चीज़ पे अब बहुत गौर भी किया जाता है कि हमारे तिरंगे का ससम्मान रख रखाव हो, अच्छी बात है। और अभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक चीज़ मैं और बताऊँगी कि कुछ लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में अंतर नहीं पता है। लोगों से पूछिए तो दोनों में स्वतंत्रता दिवस बता देते हैं। तो 15 अगस्त तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी ऐसा दिवस है जिस दिन नीति नियम निर्धारण यानी कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान इस दिन लागू करना किया गया था। तो इसलिए 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस में जो अंतर है ये अवश्य बच्चों को बताना चाहिए। और मैं जहाँ भी इससे पहले भी गई हूँ, स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी स्कूलों में मेरा जाना होता है झंडारोहण के बाद में, वहाँ पर जो बोलना होता है, तो मैं अक्सर ये बात बताती हूँ कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में अंतर है। ऐसा नहीं कि दोनों, आखिर हम दोनों क्यों मनाते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस है और दूसरा गणतंत्र दिवस है। इस हिसाब से अपने बच्चों को भी यह समझाना है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में अंतर क्या है, ये चीज़ खास ध्यान देने की, क्योंकि दोनों हमारे राष्ट्र पर्व है और राष्ट्र के प्रति हमें जितना भी जागरूक रहेंगे उतना ही राष्ट्र हमारा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जितना जागरूक रहेंगे राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देना चाहूँगी कि इधर हमारे नागरिक राष्ट्र के प्रति जागरूक हुए हैं। मैं कहना नहीं भूलूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और उनकी देखा देखी और भी जो मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति जागरूक लोगों को कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि लोग किस तरीके से अब अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, और सभी जगह कुछ कमियां रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन लोगों में भी सुधार आए ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग भी सुधर जाएं और अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, चाहे वो सेल्स टैक्स के मामले में हो, चाहे वो जीएसटी के मामले में हो, या अपनी नियत के बारे में हो, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम अधिकार जानते हैं तो हमारा कर्तव्य भी है। एक पड़ोसी दूसरे के प्रति तभी समर्पित हो पाएगा कि अपने कर्तव्यों को समझे, एक का कर्तव्य और दूसरे का अधिकार,
ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो कर्तव्य और अधिकारों को देखते हुए यदि हम सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो आपस की जो मन मुटाव है उनमें भी कमी होगी, और एक जिसको कहते हैं ना राम राज्य लाने की जो परिकल्पना है वो इसी तरीके से है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें, दूसरों के प्रति हमारे विचार अच्छे रहें, दूसरों के प्रति हम अच्छी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अच्छा मैम, ये तो हुआ है स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र पर्व के बारे में, हाल ही में 24 के भी चुनाव, लोकसभा चुनाव का आपका, तो बीजेपी को मजबूत करने के लिए आपकी क्या नीति है? देखिए, अगर असलियत बताएं तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अलावा चाहे जितने भी एकत्रित हो लें अन्य पार्टियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई भी छू नहीं पा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने देश के प्रति समर्पित अपने नीति निर्धारण जो कर रही है वो वास्तव में, देखिए विदेशों में भी इस समय जो गरिमा और जो सम्मान भारत को देखा जाता है वो पहले था नहीं था, अब आप कहीं भी चले जाइए आपको सम्मान देखा जाएगा, बल्कि विदेशों में रह रहे जो हमारे भारतीय नागरिक हैं वो भी बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि नहीं, अब हमको गर्व की अनुभूति होती है और उनकी वहाँ सम्मान भी बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें एक मायने रखती हैं, ऐसा नहीं है। और रही 2024 का चुनाव, हम सब लगेंगे, हम पद पे हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बीजेपी के कर्मठ, जुझारू और समर्पित कार्यकर्ता हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो वोटर बढ़ाने हैं, जो जिनके नाम कट गए हैं, पता नहीं किस तरीके से नाम चढ़वाए जाते हैं उसके बाद कट जाते हैं, फिर से उनको देखना है, क्योंकि इस समय बेलो बैठ रहा है हर स्कूल्स में, तो उसको भी ध्यान रखना है, नए नाम बढ़वाना, जो कट गए हैं उनको जो है फिर से जुड़वाना, इसके अलावा जो नहीं है, जो डेथ हो चुकी है जिनकी, क्योंकि वो भरी हुई है पूरी, क्या नाम, वोटर लिस्ट तो भरी हुई है लेकिन उसमें बहुत सारे लोग नहीं है, और बहुत सारी कमियां ये भी हैं कि यहाँ पर जो हैं अब पता चला रह रहे गोमती नगर में, उनको आने में दिक्कत होती, तो ऐसे लोगों को भी जागरूक करना कि भाई आप अपनी तरफ बढ़वा लीजिए नाम, और इधर की वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवा दीजिए, क्योंकि उस दिन आने और जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे जो भाजपा के कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बूथ बनाना, सबसे छोटी इकाई जो है वो बूथ है, बूथ को मजबूत करना, और सब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि उसमें से पन्ना प्रमुख बनाना, कि एक पन्ना को एक व्यक्ति को दिया गया, मान लीजिए एक बीच में व्यक्ति है, उसके पांच मकान इधर और पांच मकान उधर, एक व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो दस दस घर ग्यारह घर देख लेगा, और अगर एक ही को पूरे मोहल्ले की दी जाएगी संभवतः वो नहीं देख पाएगा, इसलिए इस चीज को हम लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं कि बूथ मजबूत करना, पन्ना प्रमुख बनाना, ये चीज बहुत ध्यान देने की, और घर घर जा करके लोगों को ये सचेत करना कि भाई आपके यहाँ कोई अगर 18 साल का हो रहा है तो उसको वोटर लिस्ट में जुड़वाए, जो नहीं रहे हैं उनके बता करके उनके नाम कटवाए जाए, और किस तरीके से क्या नाम हम लोग मजबूती के साथ में आगे बढ़े उसका ध्यान रखना, क्योंकि बरगलाने वाले बहुत आते हैं और झूठे जो है लालच देने वाले बहुत आते हैं, हमको लालच में नहीं फंसना है, लालच में फंसने से क्या होता है, अब देखिए वहाँ केरल में क्या हो रहा, केरल में लालच में फंस गए कि ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, फ्री के चक्कर में वहाँ हिंदुओं की हालत देख लीजिए, और रही दिल्ली में देख लीजिए, अरे हम भिखारी थोड़े ना हैं कि हम लाओ लाओ दे दो, हम भिखारी नहीं है, हमारे अंदर एक स्वाभिमान होना चाहिए कि नहीं हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, जो फ्री में देता है हमेशा याद रखना चाहिए, फ्री में देने वाला फ्री में नहीं देता, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो इस तरीके से हमको लालच में ना फंस करके ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम कहाँ पर सुरक्षित हैं और कहाँ पर हमारा स्वाभिमान बचता है, अपने स्वाभिमान को देखते हुए काम करना चाहिए, यदि हम मेहनत करके उसके वो हमको जो चीज मिलेगी जो खुशी उसमें है वो फ्री में नहीं है, और ये हमारे नागरिकों को ध्यान रखना चाहिए, फ्री के लालच में नहीं फंसे, दिल्ली की हालत देख लीजिए, केरल की हालत देख लीजिए, उधर जो है जहां जहां फ्री का लालच हुआ है कि बिजली फ्री और पानी फ्री और ये फ्री और वो फ्री, फ्री के लालच में कतई नहीं फंसना चाहिए, वरना आने वाला समय
खासकर हिंदुओं के लिए बड़ा कष्टप्रद होने वाला है। तो मैम इस 15 अगस्त यानी राष्ट्र पर्व पे सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी? हमारे देशवासियों के लिए शुभकामना यही है कि हमारी स्वतंत्रता अक्षुण रहे, हमारी सामाजिक एकता बनी रहे, हम सब एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, और जब हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे सामाजिक सौहार्द बनेगा, और यह सामाजिक सौहार्द जब बना रहेगा तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। हमारा देश आगे बढ़े, जिस तरीके से इस समय आगे बढ़ रहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये देश और अच्छी तरीके से आगे बढ़े और भारत एक सर्वोच्च पद पर रहे राष्ट्र में, यही शुभकामनाएं हैं। और सम्मान जिस तरीके से बढ़ रहा है इसमें दिनों दिन वृद्धि होती रहे। तो ये थी हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेविका रागिनी रस्तोगी जी, और बीजेपी में 35 सालों से ज़्यादा अपना समय देने के लिए और अपना योगदान देने के लिए बीजेपी नेता रागिनी रस्तोगी जी रही। तो उनसे हमने बात करी इस 15 अगस्त यानी कि अपने स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी। तो उन्होंने सभी को अनेकता में एकता का संदेश दिया और बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया कि हमारा स्वतंत्रता दिवस क्या और हमारा संविधान दिवस यानी 26 जनवरी क्या है। तो हम ऐसे ही लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत करेंगे अपने राष्ट्र पर्व को लेकर के कि उनकी क्या विशेष तैयारी है और सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में और देखते रहिएगा हंगामा टाइम्स के संग आजादी के रंग में। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।